में बात करेंगे लखीमपुर खीरी की, जहां पर गोला गोकर्णनाथ उपचुनाव का मतदान शुरू। सुबह से ही जोश खरोश के साथ मतदान शुरू, सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक होगी वोटिंग। तो लखीमपुर खीरी में उपचुनाव को लेकर मतदान शुरू हो चुका है, जोश खरोश के साथ मतदान शुरू, सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक होगी वोटिंग। बूढ़े जवान सभी अपने मत का कर रहे प्रयोग, डीएमएसपी ने मतदान केंद्रों का किया निरीक्षण। 139 गोला गोकर्णनाथ विधानसभा सीट पर चुनाव है, जिसको लेकर मतदान जारी है। बीजेपी और सपा के बीच है यहां पर सीधा मुकाबला। बीजेपी से अमन गिरी तो सपा से विनय तिवारी चुनावी मैदान में। आज 3 नवंबर को मतदान, 6 नवंबर को होगी काउंटिंग। निर्वाचन क्षेत्र में करीब 3,90,000 मतदाता, 441 बूथों पर मतदान जारी। गोला गोकर्णनाथ उपचुनाव का मतदान शुरू। जितने हमारे वोटर्स हैं गोला विधानसभा के, उन सबसे विनम्र आग्रह है कि अपने मतदान का और अवश्य करें, भाग करें। लोग को सख्त बदमाशी, बहुत कठोर कार्रवाई की जाएगी अगर किसी ने बदमाशी करने का प्रयास किया। जोन है इसके अलावा 9 एडिशनल जोनल मजिस्ट्रेट लगाए, 2 सुपर जोनल मजिस्ट्रेट और 2 SP लगाए गए हैं। इसके अलावा हमारे यहाँ हर एक बूथ को CAPF से कवर किया गया है। लगभग 60% बूथों पर वेबकास्टिंग की जा रही है। इसी खबर पर हमारे साथ हमारे लखीमपुर खीरी संवाददाता आमिर रजा हमारे साथ जुड़ गए हैं लाइव। आमिर, गोला गोकर्णनाथ उपचुनाव सीट पर मतदान शुरू हो चुका है, अब तक की अगर बात की जाए तो क्या कुछ मतदान रहा, क्या कैसा लोगों में उत्साह देखा जा रहा है मतदान को लेकर? देखिए, मतदान को लेकर यहाँ पर काफी उत्साह दिखाई दे रहा है। यहाँ पर हर वर्ग के, मैं एक मतदान केंद्र पर खड़ा हूँ, यहाँ पर हर वर्ग के लोग आ रहे हैं, बूढ़े जवान और जो नौजवान, बहुत से ऐसे लोग हैं जो पहली बार मत का प्रयोग कर रहे हैं। तो हम लगातार देख रहे हैं कि सुबह से जिस तरीके से तैयारियां थी उसको लेकर यहाँ पर मतदान भी हो रहा है। मैं लोगों से बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्या बताइए कि आप यहाँ गए, क्या आज आपने मत का प्रयोग किया? जी किया। क्या सोच के यही किया है कि मतलब हर हालत में बीजेपी जीतना चाहिए और बीजेपी को जिताना चाहिए। किन मुद्दों पर बीजेपी को जीता? देखिए ऐसा है, सरकार लगभग जो है हम बात करते हैं, देखिए युवा पीढ़ी है और खास करके महिलाएं जो आधी आबादी कही जाती है, हम बताइए आप किस तरीके से आपने मत का प्रयोग किया है अभी? देखिए सबसे पहले तो मैं बता दूं आपको कि आज मैंने पहली बार वोट दिया है और जो सही है उसी को वोट दिया है बीजेपी, कि वो हम लोग के बारे में सोचती है, जनता के बारे में सोचती है और जनता से जुड़ी हुई, इसलिए इस बेस पे हमने बीजेपी को ही दिया। अच्छा ये बताइए कि बीजेपी को आपने वोट किया, यहाँ पर जो प्रत्याशी हैं वो भी नौजवान हैं अभी, क्या लगता है आपको जब आपने इनको मत किया है तो आने वाले वक्त में किस तरीके से आपको इनसे उम्मीदें हैं? देखिए हम भी नौजवान ही हैं तो इस वजह से हमने बीजेपी को और दिया है, क्योंकि अमन गिरी खड़े हुए हैं और अभी एक्सपीरियंस नहीं है उनको, लेकिन आशा है कि वो अच्छा काम करेंगे। अभी इनका कहना है कि एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन आशा करते हैं नौजवान हैं वो तो अच्छा काम करेंगे और काम की बुनियाद पर इन्होंने बीजेपी को वोट दिया। देखिए ये एक है, हम इनसे बात करते हैं। भैया यहाँ ये बताइए कि आज आप अपने मत का प्रयोग करने जा रहे हैं, किस सोच के साथ में आप जा रहे हैं? एक युवा सोच होनी चाहिए, जो भी हमारी विधानसभा है, हमारे माननीय विधायक हिसाब से अमन गिरी जी को विधायक बनना। अच्छा देखिए एक और नौजवान साथी है जा रहे हैं वोट करने के लिए, बताइए कि आप वोट करने जा रहे हैं किस सोच के साथ में वोट करने जा रहे हैं? विकास और विश्वास। विकास और विश्वास करके ये है जो वोट डालने जा रहे हैं। अभी हमने इससे पहले आपसे बात कराई थी, जो वोट डाल के अपने प्रयोग करके आए, तो इनका ये कहना है कि इस बार ये वोट करेंगे विकास और विश्वास के बुनियाद के ऊपर। और जो नौजवान से बात की उन्होंने कहा कि हमको उम्मीद है कि जो नौजवान है उनसे इस क्षेत्र का विकास होगा।
बिल्कुल आमिर, निश्चित तौर पर युवा जो पीढ़ी है वो वोट को लेकर, चुनाव को लेकर, मतदान को लेकर उत्साहित नजर आ रही है। अगर आमिर व्यवस्थाओं की बात की जाए तो अभी फिलहाल की व्यवस्थाओं को किस तरह से दुरुस्त किया गया है पोलिंग बूथों पर? देखिए व्यवस्थाएं आप देख रहे हैं कि चारों तरफ, यहाँ पर हम आपको और करीब से दिखाने की कोशिश करेंगे कि ना सिर्फ यहाँ पर जो लोग हैं, लोग लगे हैं, बल्कि यहाँ पर सुरक्षा की दृष्टि से पोलिंग बूथ पर आप देख रहे हैं कि पोलिंग बूथ पर पुलिस पूरी तरीके से चार चौबंद वो लगे हुए है। कहीं ना कहीं इनकी कोशिश जिस तरीके से है कि मतदान को संपन्न कराया जा सके निष्पक्ष रूप से और किसी आरोप प्रत्यारोप, क्योंकि बीजेपी यहाँ पर शुरू से ही बीजेपी पर ये आरोप लगते आ रहे हैं कि वो सत्ता के दबाव में यहाँ का प्रशासन काम कर रहा है, तो ऐसे में आज कोई कसर प्रशासन नहीं चाहेगा कि उनके ऊपर आरोप लगे। बिल्कुल आमिर, आप नजर बनाए रखेगा, फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने तमाम जानकारी साझा की हम तक। फिलहाल वक्त एक ब्रेक।